गुड मॉर्निंग क्लास वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस इज दिव्यांशु पांडे फैकल्टी ऑफ जीके एट एस एस बी क्रैक एग्जामिनेशन और आज की ये आपकी मंथली डिफेंस करंट अफेयर की क्लास है सेप्टेम्बर मंथ ट्वेंटी ट्वेंटी टू की तो जितने भी हमारे डिफेंस एक्सपेरेंट्स हैं वो सभी क्लास से जल्द से जल्द आप जुड़ते चले जाइए जिससे कि आप अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अपनी तैयारी डिफेंस करंट अफेयर से रिलेटेड बेहतरीन तरीके से कर सके क्योंकि आप सभी जानते हो कि ये सितंबर का मंथ काफी इंपॉर्टेंट रहा है और इस मंथ में काफी आपके नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इवेंट्स आपके अकर हुए हैं ओके तो क्लास को लाइक और शेयर भी करते जाइए साथ ही साथ सभी बच्चों को बुलाइए कि बस अब आप क्लास आपकी शुरू होने वाली है अली तुषार खुशी शैलेश चिंटू ज्योति निकिता अंकुर अभिषेक ऋतिक आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद इसी के साथ हम शुरुआत कर लेते हैं आज की अपने इस मंथली डिफेंस करेंट की क्लास की सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द टैंक इस टैंक को इस होविजर को आपको आइडेंटिफाई करना है फटाफट बताइए चलिए सभी के आंसर आने लगे हैं एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द इज़ के नाइन वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होविजर टैंक ठीक है तो ये आपका पचास टन वजनी आपकी एक टैंक है जिसका जो आपका गोला होता है उसकी रेंज 50 किलोमीटर की होती है जी हाँ 50 किलोमीटर की होती है जीरो रेडियस टर्न है इसका मतलब ये होता है कि जब ये आपका कोई भी फायरिंग करती है कोई भी राउंड आपका ये दागती है तो ये बिल्कुल भी अपने स्थान से मूव नहीं करती है हम कह सकते हैं कि इट हैज अ हाई पोटेंशियल एनर्जी ठीक है बिल्कुल इट स्टेशनरी रहती है और अगर कोई टैंक आपका फायर करते समय स्टेशनरी है तो उसका जो टारगेट पे निशाना होगा बिल्कुल एकट रहेगा तो ये है आपकी के नाइन वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होविजर गन इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई है आपको डिफेंस करंट अफेयर के चैनल पर मिल जाएगी और जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ उसको देखिए लाइक करिए शेयर करिए जिससे कि आपको जो नई डील हमारी इंडियन आर्मी हंड्रेड नए के नाइन वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होविज़र को लेकर कर रही है उसके बारे में आप जानकारी ले सकेंगे कि उसकी वर्थ कितनी है किस कंपनी से हम कर रहे हैं और आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वो रहेगा ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ अपनी क्लास की अपने पहले इवेंट के साथ सो द फर्स्ट इवेंट इज एक्सरसाइज वोस्तो ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो देखिए रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो ऑन गोइंग है चल रहा है और इसी वॉर के बीच में रशिया ने एक्सरसाइज वोस्तो ट्वेंटी ट्वेंटी टू आपका कंडक्ट किया है और ये एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट सेप्टेम्बर से लेकर सेवन सेप्टेम्बर तक आपके रशिया के ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट वोस्तोक की तरफ आपके कंडक्ट हुई थी जहाँ पर भारत चाइना और अन्य तमाम देश इसमें शामिल हुए थे इंडियन आर्मी की तरफ से सेवन एट गोरखा राइफल्स वहाँ पर अराइवड हुए जहाँ पर उन्होंने ज्वाइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कॉम्बैट और आपका फायर पावर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन किया तो याद रखिए एक्सरसाइज वोस्तोक ठीक है जिसमें यह आपका मल्टी एक्सरसाइज है सभी देश इसमें शामिल होते हैं जो कि रशिया के अलाइड है और बेहतरीन तरीके से इस एक्सरसाइज का कंडक्शन किया गया जिसमें हमारी सेवन एट गोरखा राइफल्स शामिल थी नेक्स्ट इवेंट सी सी एस एलसीए इंडिजीनियस एल सी मार्क सेकेंड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट सी सी एस का फुल फॉर्म क्या है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी तो इन्होंने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क सेकेंड तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को अपनी अप्रूवल दे दी है और ये सभी जो हमारे एयरक्राफ्ट्स आएंगे वो हमारे फोर्सेस को और भी स्ट्रेंथन करेंगे डेवलपमेंट ऑफ न्यू एयरक्राफ्ट इज कंप्लीटेड बाय 2027 और ऐसा किसने कहा है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जिसको हम ए कहते हैं और ये डी की ही एक आपकी लैब है ओके जो कि इसके डिज़ाइन का वर्क देखती है इसके अलावा तो द डी आर डी ओ वुड बी डेवलपिंग द दे एयरक्राफ्ट विथ अ जी ई वन फोर 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 वन फोर इंजन विच इज एडवास वर्जन ऑफ द जी ई फोर जीरो फोर जो कि आपके इस फोर पॉइंट फिफ्थ जनरेशन हम कह सकते हैं कि फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में इसको लगाया जाएगा और ये भी जो आपका इंजन रहेगा वो स्वदेशी रहेगा जिससे कि पूरी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमको अपने इस एयरक्राफ्ट पर मिल सकेगी और हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर नहीं रहेगी आप सभी जानते हो कि फरवरी 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने एल सी को एल सी ए मार्क वन ए के लिए 83 आपके फाइटर एयरक्राफ्ट्स की उन्होंने डील की थी और वो जल्द ही मेरे ख्याल से 2024 हज़ार तक वो भी आपकी पूरा कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट इवेंट लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स एज्यूम द अपॉइंटमेंट ऑफ कमांडेंट ऑफ डी यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल जो हमारे डिफेंस सर्विसेस स्टाफ कॉलेज जो कि आपका तमिलनाडु के वेलिंगटन में है सितंबर फर्स्ट को लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने इसका अपना पदभार संभाला काफी इंपॉर्टेंट आपका ये संस्था है हमारे आर्म फोर्सेस का जहां पर तीनों ही हमारे सेनाओं के जो अधिकारी टॉप लेवल ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पर आके अपनी ट्रेनिंग किया करते हैं और सिर्फ भारत के नहीं बल्कि विश्व के तमाम देश के डीएसएससी इज अ डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द मिलिट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें आपके नेवी एयरफोर्स और मिलिट्री सभी के पर्सनल शामिल होते हैं यहां तक कि पैरा मिलिट्री और आपके सिविल सर्विसेज के भी लोग यहां पर आते हैं इनका जो मोटो है वो है युद्धम प्रग युद्धम प्रग ओके वॉर विथ विजडम नेक्स्ट इवेंट आइन विक्रमादित्य सक्सेसफुली लॉन्चेस बराक वन मिसाइल तो देखिए थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट को थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट को ये न्यूज आई थी कि आईन विक्रमादित्य ने अपने डेक से बराक वन जो आपकी मिसाइल है ठीक है जिसको हमने इसराइल से खरीदा है सरफेस टू एयर मिसाइल है उसकी हमने सक्सेसफुल लॉन्चिंग आपकी की थी ठीक है और विक्रमादित्य के बारे में बात कर लें सो इट इज अ कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लैगशिप ऑफ द इंडियन नेवी जो कि 2013 में कमीशन हुआ था इससे पहले वैसे हमने ये सेकंड वर् हैंड खरीदा है रशिया से और इसका नाम बाकू था ओके और या, यानी कि बाकू में इसको बनाया गया था 1987 में सोवियत संघ ने नाइनटीन में इसको रिटायर कर दिया था और इसके बाद हमने इसमें मोडिफिकेशन करके वर्ष 2013 में इसको खरीद लिया तो इस प्रकार से भारतीय नौसेना में कुल मिलाकर कितने आपके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं दो हैं पहला आई विक्रमादित्य दूसरा आपका आई विक्रांत द कैरियर वॉज इन्वेस्टेड ऑन ट्वेल्थ ट्वेंटी जनवरी टू थाउजेंड फोर आफ्टर द निगोशिएशन और टोटल कितने की डील हुई थी टू पॉइंट थ्री फाइव बिलियन यूएस डॉलर की ठीक है इतने पैसे में हमने रशिया से ये एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद लिया है और आप सभी जानते हो कि जो हमारा आइनस विक्रमादित्य है उसके जो लोगो है उसमें फोर आपके एरो बने हैं जो कि आपके शिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसके स्क्वाडन को करते हैं ओके नेक्स्ट इवेंट आपका आइनस विक्रमादित्य विक्रांत कमीशन तो ये सितंबर महीना हमारे इंडियन नेवी के लिए सबसे बड़ा आपका मंथ था क्योंकि इसी मंथ में हमारे इंडियन नेवी को आइनस विक्रांत मिल गया है और मैंने आपको बताया भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे रक्षा मंत्री नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नौसेना के चीफ ये सभी और कोचिन शिप लिमिटेड के जो आपके सीएमडी हैं वो सभी सदन नेवल कमांड कोची की तरफ गए थे जहाँ पर उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आइनस विक्रांत को हमारे इंडियन नेवी में इंडक्ट करवा लिया यानी कि अब कमीशन हो गया है इस प्रकार से टोटल दो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अपने पड़ोसी देशों को देख लें जैसे हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान तो उसके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है दूसरे को देखें चाइना उसके पास टोटल तीन है तो अभी हमें रिक्वायरमेंट तीन की है दो तो हो गए एक हमको और चाहिए और तीसरे पर आपका काम भी चल रहा है इसके कुछ इस्पेसिफिकेशन देख लें तो इसकी जो टोटल हाइट है आइनस विक्रमा विक्रांत की वो 59 नाइन मीटर्स है कितनी है फिफ्टी नाइन मीटर्स आप आप अंदाजा लगा लो लगभग आपका तीन मंजिल इमारत है इसकी ओके इसमें आपके फोटीन डेक्स हैं टोटल लेंथ टू हंड्रेड सिक्सटी टू मीटर्स की है यानी कि इसमें दो आपके फुटबॉल ग्राउंड आराम से इसमें आ जाएंगे दो नहीं तो एक तो आ ही जाएगा इसमें क्रू कितने आएंगे सेवनटीन हंड्रेड कंपार्टमेंट्स इसमें ट्वेंटी थ्री हंड्रेड्स बनाए गए हैं जिसमें मैन वमेन का सेपरेट आपका कंपार्टमेंट है टॉप स्पीड ट्वेंटी एट नॉट्स नॉटिकल माइल्स क्रूजिंग स्पीड 18 की है एंड्योरेंस आपका 7500 नॉटिकल माइल्स की देता है एक बार इसमें आप फ्यूल अच्छे से तरीके से भर दीजिए 7500 नॉटिकल माइल्स यानी कि गुजरात से लेकर आपका बंगाल तक एक ही बार में ये सफर करने में सक्षम है इसमें आपके टोटल 34 फिक्स विंग एंड रोटरी एयरक्राफ्ट हम डिप्लॉय कर सकते हैं मैक 29 के एयरक्राफ्ट इसमें शामिल हैं और इंडियन नेवी चाह रही है कि डेसॉल्ट या फिर आपका एफ एटीन दोनों में से कोई एक विमान हम इसमें इंडक्ट करें और टोटल अट्ठारह आपके विमान हमारी इंडियन नेवी खरीदेगी कामो थर्टी वन जो कि आपका रशिया से हमने हेलीकॉप्टर खरीदा हुआ है उसको इसमें लगाया जाएगा अमेरिका का जो आपका रोमियो हेलीकॉप्टर है उसको भी इसमें डिप्लॉय किया गया है और इसमें इंडिजीनियस आपकी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ए मार्क थर्ड भी डिप्लॉय किया गया है तो पूरे तरीके से जितने भी शस्त्र हमारे पास हैं उनसे हमारे आइनस विक्रांत को लैस कर दिया गया है जो कि आपका चालीस हज़ार टन से भी ज़्यादा वजनी है तो ये थी हमारी आइनस विक्रांत से रिलेटेड बातें अब इसी दिन जब आपका ये कमीशन हुई थी उसी दिन सेकेंड सेप्टेम्बर को इंडियन नेवी का न्यू इंसीजीन आपका आया था तो न्यू इंसाइन क्या था आपका आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड है आपका हमारा भारत का प्यारा तिरंगा झंडा है और ऑक्टोगोनल शेप में जो कि हमारे शिवाजी के एम्पर को शो करता था ना जो कि आपके एट मल्टी डायमेंशनल डायरेक्शन को शो करता है कि आठों दिशाओं में हमारी नज़र है और हमारी पकड़ है तो ये आपका गोल्डन ऑक्टोगोनल शेप दर्शाता है जिसमें इंडियन नेवी का क्रेसेंट शमना वरुणा का मोटो और सत्यमेव जयते का एम्बलम आपका लगाया गया है ठीक है जिसको कमीशन करवाया गया जैसा मैंने आपको बताया कि छत्रपति जी शिवाजी जो महाराज थे उनके रॉयल सील जो उनकी नेवी थी भारत की अभी मॉडर्न एरा की सबसे आधुनिक सबसे पावरफुल नेवी उन्हीं की थी जहाँ पर आपके 5000 हजार सैनिक और लगभग 600 सौ से भी अधिक आपके उनके जहाज थे इंडियन नेवी के फ्लैग की हिस्ट्री हम देख लें तो फोर्टी में आप देख पा रहे हो एक क्रेसेंट लगा हुआ है ओके okay? जैसे क्रिश्चियन में क्या होता है प्लस का साइन होता है ना उसी प्रकार से प्लस का साइन और इस तरफ क्या है उनका झंडा है इंग्लैंड का 1950 में जब हम रिपब्लिक हुए तो क्रेसेंट तो लगा रहा लेकिन यहाँ पर हमने यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने अपना तिरंगा झंडा लगा दिया अब भाई जब हटा रहे हो तो पूरी तरीके से हटाओ ना थोड़ा थोड़ा क्या हटा रहे हो 2001 में जब 21वीं सेंचुरी की आपकी शुरुआत हुई 21वीं शताब्दी की तो जब एनडीए फर्स्ट गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी की थी तो उन्होंने बीच से क्रेसेंट क्या कर दिया हटा दिया और यहां पर ये वाला लोगों लगा दिया आपका लेकिन 2004 में क्या हुआ फिर सत्ता का परिवर्तन हुआ तो इन्होंने फिर से क्रेसेंट लगा दिया और बीच में क्या किया ये आपका अशोक चिन्ह नेशनल एम्बलम इसको लगाया फिर से एक बार सत्ता चेंज हुई दो में तो इन्होंने क्या किया मोदी जी ने उस अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिख दिया अगर आप देख पा रहे हो लेकिन फिर एक बार 2022 में 2022 में समय फिर से करवट लेता है और छत्रपति जी शिवाजी महाराज के रॉयल सील से प्रेरित होते हुए इंडियन नेवी के द्वारा अपना नया एक फ्लैग लाया गया जिसमें से क्रेसेंट बिल्कुल आपका समाप्त कर दिया गया और एक गोल्डन ऑक्टोगल आपकी सील जिसमें इंडियन नेवी का लोगो सत्यमेव जयते शमना वरुणा है उनको जो है लगाया गया ठीक है और इस प्रकार से हम क्या मना रहे हैं अपना पचहत्तरवें आजादी का अमृत महोत्सव हमने पूरा भी कर लिया है अब छिहत्तरवां साल चल रहा है ठीक तो है नेक्स्ट इवेंट सीआरपीएफ गेट्स महिंद्रा एडवांस बुलेट प्रूफ व्हीकल इन जम्मू एंड कश्मीर तो देखिए सीआरपीएफ जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है उसको अब महिंद्रा का एडवांस बुलेट प्रूफ व्हीकल्स आपका मिल गया है जिससे कि वो नॉर्थ ईस्ट और मेनली आपके जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में आसानी से आपका ऑपरेट कर सकें ठीक है और टाटा ने भी आपकी हमारे फोर्सेस को डिलीवर की हुई है इस प्रकार की आपकी व्हीकल्स और ये व्हीकल का नाम क्या है तो देख लीजिए द महिंद्रा मार्क्समैन ए पी सी द महिंद्रा मार्क्समैन इज अ लाइट आर्मड पर्सनल कैरियर बिल्ट ऑन अ मोनोकूड डिज़ाइन जिसमें आपका बी सी बी सिक्स लेवल की बैलेस्टिक प्रोटेक्शन दी जाती है और इसमें छह लोग आपके बैठ सकते हैं ठीक है दो आगे चार पीछे और बेहतरीन तरीके से हम जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर पाएंगे अगला इवेंट आपका बी एस एफ गेट्स न्यू इंडियन डिफेंस इंडियन मेड एंटी ड्रोन गन्स तो बी एस एफ जो कि एक प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है और मेनली आपका ये पंजाब गुजरात जम्मू यहाँ पर डिप्लॉयड रहती है और इन क्षेत्रों से पाकिस्तान के द्वारा भारत में आर्म्स की स्मगलिंग ड्रग्स की स्मगलिंग की जाती है और वो स्मगलिंग आप कैसे करते हैं वो सभी ड्रोन के ज़रिए करते हैं तो स्मगलिंग ना हो सके इसलिए अब जो हमारी बीएसएफ है उनको टोटल आपके टू हंड्रेड इस प्रकार के आपके जो साइट्स हैं जहां पर ये होता है चीज़ें वहाँ पर एंटी ड्रोन गन्स मिलेंगी ये आपकी एक प्रकार की स्पेशलाइज गन्स होते हैं जिससे कि हम किसको मार सकते हैं ड्रोन्स को मार सकते हैं ठीक है तो इसका ऑर्डर आपके नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है जो कि इस पर आपके काम कर रहे हैं जो कि किसी भी आपके आ, जो हमारे ड्रोन्स होते हैं उसको आसानी से जाम कर सकते हैं और उसको टारगेट कर सकते हैं बी एस एफ आप सभी जानते हो कि भारत के लगभग 198 किलोमीटर के बॉर्डर्स को ना आ, 198 किलोमीटर ऑफ 533 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर को एलओसी पाकिस्तान की तरफ से आपका गार्ड करते हैं जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी द मोटो ऑफ द बी एस एफ चलिए नेक्स्ट इवेंट इसरो न्यू टेक्नोलॉजी तो इसरो ने इनफ्लैटेबल एरोडाइनेमिक डिसलरेटर ना जो कि एक गेम चेंजर माना जाता है और इसकी जो है लॉन्चिंग आपकी कर दी है विथ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर फ्यूचर मिशन इंक्लूडिंग टू मार्स एंड वीनस एंड आई ए डी डिजाइन एंड डेवलप्ड बाई द इसरो विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर व सक्सेसफुली टेस्ट फ्लोन इन अ रोहनी साउंडिंग रॉकेट फ्रॉम थुम्बाइक्टोरियल लॉन्चिंग स्टेशन तो देखिए जो हमारा इसरो है वो अपने मार्स और वीनस के लिए अब अपना प्रोजेक्ट आगे चला रहा है तो उसी के क्षेत्र में देखते हुए ये आपके रॉकेट की सक्सेसफुली लॉन्चिंग की गई ये आपका 84 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे गया जहां पर जो भी आपके एटमॉस्फेयर में आपका पेल ले जाना था काफ़ी आसानी से ये ले भी गया और ये आपके पिन्यूमेटिक सिस्टम पर आपका वर्क करता है जो कि इसरो के लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर के द्वारा बनाया गया है और मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ जो आजकल की आपकी रॉकेट टेक्नोलॉजी चल रही है स्पेस साइंस में ज्यादातर वो लिक्विड प्रपलशन सिस्टम का आपका यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट इंडियन आर्मी चीफ जनरल पांडे हैंड्स ओवर नॉन लीडल मिलिट्री आइटम्स टू नेपाल तो देखिए इंडियन आर्मी के चीफ सितंबर मंथ में ही एक से लेकर चार सितंबर के बीच में नेपाल के दौरे पर गए हुए थे जहां पर उन्होंने बहुत सारे इक्विपमेंट जो है नेपाल को भारत की तरफ से दिए हैं देयर हैज बीन अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ विजिट विजिट बाई द आर्मी चीफ्स ऑफ नेपाल एंड इंडिया ना जहाँ पर दोनों ही चीफ्स को आपका ऑनरेरी जनरल का अवार्ड दिया जाता है ट्रेडिशन आपका 1950 से आपका स्टार्ट हुआ था जहाँ पर जनरल ऑफ इंडियन आर्मी को आपके नेपाली चीफ के द्वारा उनका ऑनरेरी दिया जाता है ठीक है बात कर लेते हैं दोनों देशों के बॉर्डर्स की तो 1850 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है भारत के पांच आपके राज्य नेपाल से मिलते हैं ये कौन कौन है सिक्किम है बंगाल है वेस्ट बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड है और हम सभी जानते हैं कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है जिसको हम क्या कहते हैं एक प्रकार का बफर स्टेट कहते हैं जो कि चाइना और इंडिया दो मेन पावर के बीच में है और उनकी जो आपकी प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी उनके द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया नेक्स्ट इवेंट हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स And पहले भी आपको बताया है कि जो हमारी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ना तो एच एल और एल एन टी जो रहेगी कॉन्स्टोरियम एट हंड्रेड सिक्सटी करोड़ रुपीज़ की जो डील है उन्होंने आपका जीत ली है जिससे कि वो आने वाले चार सालों में टोटल फाइव आपके पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप करेंगे अब देखिए हो क्या रहा है अभी तक जितने भी हम रॉकेट्स डेवलप करते थे उसको सिर्फ इसरो करती थी लेकिन अगर हमें अपनी गति बढ़ानी है तो हमें अपने जो इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं प्राइवेट सेक्टर्स से, हैं उनको भी लाना पड़ेगा इसीलिए सभी जैसे एन हो गई लार्सन एंड टूब्रो हो गया इनको भी हमने इस डील में आपका शामिल किया हुआ है जिससे कि ये पीएसएलवी रॉकेट्स बना सकें जिससे कि हम आने वाले फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा सेटेलाइट्स को लॉन्च कर सकें और सेटेलाइट को लॉन्च करने से होता क्या है क्योंकि क्योंकि आप सभी जानते हो कि विश्व में दस पंद्रह ही देश हैं जिनका स्पेस ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बेहतर है जिसमें हमारी जो इसरो है सबसे बेस्ट और सबसे एफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड करती है तो पूरा विश्व किसकी तरफ देखता है इसरो की तरफ देखता है और इसरो की अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी तो हम अपना रिवेन्यू बेहतर तरीके से आपका एनहेंस कर पाएंगे नेक्स्ट इवेंट इंडिया जापान टू प्लस टू मिनिस्ट्रियल डायलॉग इन टोक्यो तो देखिए इसी आपके मंथ में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जापान के दौरे पर गए हुए थे जहां पर दोनों ही देश ने एक साथ आपका टू प्लस टू मिनिस्ट्रियल लेवल की डायलॉग की अब टू प्लस टू मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग क्या होती है ये नया कॉन्सेप्ट है दो हजार अट्ठारह के बाद से आया हुआ है जहाँ पर दो देशों के बीच उनके फॉरेन मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर यानी कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर और भारत के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर एक साथ एक छत के नीचे आपका आकर अपने रक्षा चुनौतियों और अपने सामरिक क्षेत्र पर जो है अपनी चर्चा करेंगे जिससे कि वो आने वाले समय में अपना बेहतर तालमेल कर सकें इंडो पैसिफिक रीजन में आप सभी जानते हो कि भारत और जापान भी सहयोगी देश हैं और दोनों ही आपके दोनों ही देशों के मिनिस्टर्स ने आपके फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रेजिलियट और रूल ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि हम बेहतर तरीके से आपके इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में ऑपरेट कर सकें इस पर आपकी चर्चा हुई दे ऑल्सो रिट्रिएटेड दे आर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर आशियांस यूनिटी एंड सेंट्रैलिटी एंड दे आर फुल सपोर्ट ऑफ द आशियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक जिससे कि हम ओपन फ्री और आपका लॉफुल एक ट्रांसपेरेंट इंडो पैसिफिक का रीजन आपका क्रिएट कर सकें हम सभी जानते हैं कि पहली बार जो है जापान ने मिलन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था और जापान के साथ भारत जो है मिलन एक्सरसाइज मालाबार एक्सरसाइज धर्म गार्डियन और आपकी शीन्यू मैत्री इन सभी एक्सरसाइज में आपका पार्टिसिपेट करती हैं और अभी आपने देखा कुछ दिन पहले दो तीन दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री जापान गए हुए थे जहां पर शिंजो आबे शिंजो आबे जो आपके अभी उनको उनकी हत्या कर दी गई है तो शांति संदेश देने के लिए वहां पर वो पहुंचे हुए थे नेक्स्ट इवेंट डीआरडीओ से रिलेटेड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है डीआरडीओ गेट्स क्लियरेंस टू डेवलप उत्तम एफ फॉर सुखोई थर्टी एम तो डीआरडीओ के द्वारा इंडिजीनियस ए रडार आपका डेवलप कर दिया गया जो कि किसी भी आपके वेदर में में एयर टू ग्राउंड ये आपका हमें ग्राउंडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट जो कि आपके बेंगलुरु में है और इसको मेनली किसमें फिट किया जा रहा है तेजस मार्क वन ए में आपका फिट किया जा रहा है नेक्स्ट इवेंट फिफ्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज एकता तो देखिए बच्चों जितने भी क्लास में आप सभी जुड़े हो या फिर जुड़ते जा रहे हो एक बात का आप ध्यान रखो कि जो आपकी मंथली करेंट अफेयर या फिर मंथली डिफेंस करेंट अफेयर की क्लास आपकी चलती है उनमें हम पूरा जितने भी आपके मंथ में इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आकर हुए हैं उनको कंपाइल करके आपको पढ़ाते हैं और ये क्लास आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास को अच्छे तरीके से पढ़िए समझिए जहाँ ना समझ में आए तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछिए और जब आपको पी मिले तो उस पीडीएफ को पढ़ के अपना नोट्स बनाकर रखिए क्योंकि सभी इवेंट्स सभी क्वेश्चंस जो अभी मैं आपको कराऊंगा वो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है तो फिफ्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज एकता तो फिफ्थ सितंबर से लेकर थर्ड अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज आपकी चल रही है जिसमें इंडियन नेवी के डाइवर्स और हमारे मरीन कमांडोस ओके आपके मालदीव्स में फिफ्थ एडिशन की इस एक्सरसाइज एकता को आपके कंडक्ट कर रहे हैं जिसका मेन एम ये है कि दोनों देश दोनों देशों की नौसेनाएं मिलकर डाइविंग एंड एसेमेट्रिक वॉरफेयर में अपनी इंटर ऑबरेबिलिटी और भी इन्हेंस कर सकें तो यहाँ पर आप मालदीव्स देख रहे हो तो चलिए घूम के हम आते हैं एक बार मालदीव्स ना काफ़ी खूबसूरत देश है आपका जिनकी कैपिटल आपकी क्या है माले है और इंडियन नेवी का सबसे इंपॉर्टेंट बेस भी है ये ना जहाँ पर इंडियन नेवी पूरे ओशियन को आपका कवर करती है नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज डोमेस्टिक एक्सरसाइज है याद करिए काफी इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी एक्सरसाइज अभी की है एक्सरसाइज गगन शक्ति खरगा क्रोर कंडक्ट्स एक्सरसाइज गगन शक्ति ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी एविएशन एंड अटैक हेलीकॉप्टर्स एट पटियाला जिसमें ए और हमारे जो आ, जो हमने अमेरिका से खरीदा हुआ क्या नाम है उसका अपाचे अपाचे 64E ई हेलीकॉप्टर्स ने इसमें आपका पार्टिसिपेट किया इंडियन आर्मी की जो मैकनाइज इन्फेंट्री है उसने भी इस आपके एक्सरसाइज में अपना पार्टिसिपेशन किया था अगला इवेंट डीआरडी ओ से रिलेटेड है डीआरडीओ आर एंड इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंडक्ट सिक्स फ्लाइट टेस्ट ऑफ क्यू आर एस एम ओके तो देखिए क्यू आर एस एम का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए आप सभी क्विक रिएक्शन टू एयर मिसाइल तो इसका सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने उड़ीसा के आईटीआर रेंज से आपका किया है ठीक है और इस प्रकार की मिसाइल्स का आपका टेस्ट फायरिंग होती रहती है और जिससे कि हम अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट अप कर सकें और आपके जैसे टेलीमेट्री रडार्स हैं ना उनको हम ऐसी जगह पर डिप्लॉय कर सकें जहाँ पर हमको सुरक्षा चुनौतियाँ मिल रही हैं नेक्स्ट इवेंट अवार्ड्स ऑफ मेरिटोरियस सर्विस मेडल टू एडमिरल सुनील लांबा तो देखिए सुनील लांबा के बारे में आप सभी जानते हो कि हमारे इंडियन आर्मी इंडियन नेवी के पूर्व ये आपके एडमिरल थे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ थे और सिंगापुर के द्वारा इनको ऑनरेरी मेरिटोरियस सर्विस मेडल अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्हीं के समय में जो है इंडिया और सिंगापुर के जो रीजन थे काफी स्ट्रांग हुए थे और इन्होंने अपने तरफ से काफी आपका सहयोग किया हुआ था नेक्स्ट इवेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है नेताजी इंडिया गेट स्टैच्यू सेंटर ने कहा यानी कि हमारे भारत सरकार के द्वारा कहा गया है और जहाँ पे जॉर्ज फोर्थ जॉर्ज जॉर्ज पंचम की आपकी मूर्ति लगती थी ना आपके इंडिया गेट की तरफ अब उनकी अब उस प्लेस को खाली कराकर किसकी आपकी मूर्ति लगाई गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगाई गई है और काफी बेहतरीन आपका इंटेंस आर्टिस्टिक इंडीवर से इस आपके कार्व डिजाइन को किया गया है जो और इस आपकी जो स्कल्पचर है उसकी टोटल वेट टू हंड्रेड टन की आई है ठीक है हंड्रेड फिट ट्रक विथ वन फोर्टी व्हील्स वॉज स्पेशली डिजाइन फॉर दिस जॉन्ट ग्रेनाइट स्टोन टू ट्रेवल 1665 किलोमीटर फ्रॉम तेलंगाना टू द न्यू दिल्ली और इस 28 फीट की प्रतिमा को इन्हें हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लगाया गया जो दिखाता है कि हाँ अब जो आपका ये कर्तव्य पथ है उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यादें हैं क्योंकि भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति में सबसे मेन लीडर अगर ये कोई थे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया ना सुभाष चंद्र बोस का आपका जो जन्म था 23 जनवरी 1897 को था और इसी दिन भारत सरकार के द्वारा पिछले साल कहा गया कि पराक्रम दिवस यानी कि वेलर डे हम कब मनाएंगे आपका 23 जनवरी को हर साल मनाएंगे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कटक उड़ीसा वेस्ट बंगाल डिवीजन में इनका जन्म हुआ था इनके पिता माता प्रभावती दत्त और आपके जानकीनाथ बोस थे और जैसे मैंने बताया पराक्रम दिवस हर साल अब ट्वेंटी जनवरी को आपको मनाया जाता है नाइनटीन में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज जिसको अभी आई कहते हैं ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं उस समय आई सी के नाम से जाना जाता था उसको इन्होंने क्लियर किया था लेकिन पास करने के बाद रिजाइन कर दिया एक दिन भी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया बस ये दिखाना चाहते हैं कि देखो अंग्रेजों ठीक है आपकी हैसियत क्या है 1938 में सबसे पहली बार हरिपुरा अधिवेशन में ये कांग्रेस की तरफ से प्रेसिडेंट बने 1939 में एक बार फिर से ये आपके प्रेसिडेंट बने और इस बार गांधी जी ने अपने कैंडिडेट पट्टा भी सीतारमैया को इनके अगेंस्ट खड़ा कर दिया था और गांधी जी ने कहा था कि पट्टा भी सीतारमैया की हार मेरी हार मानी जाएगी लेकिन जो भी लोग थे आपके त्रिपुरा के त्रिपुरी के त्रिपुरा के अधिवेशन में वो सभी डॉक्टर हमारे सुभाष चंद्र बोस के जो उनके विचार थे जो उनकी अप्रोच थी कि हमें कैसे स्वतंत्रता की प्राप्ति हो उससे ज़्यादा आपकी प्रेरित थे इसलिए एक बार फिर से सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए और लेकिन फिर देखा गया है कि कांग्रेस में हो क्या रहा है कि सब एक दूसरे को एक तरीके से पार्टी में अपने आप को आगे करना चाह रहे थे जहाँ पर उन्होंने देखा कि जो हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य है वो कहीं काफी पीछे छूट गया है तो उन्होंने स्वतः इस पद से रिजाइन देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की आपकी स्थापना की और आजाद हिंद फौज बनाया ठीक है आप आजाद हिंद फौज के बारे में जानते ही हो और इसी फौज ने अंग्रेजी सेना के दांत खट्टे कर दिए ही रीच जापानीज कंट्रोल सिंगापुर फ्रॉम जर्मनी इन जुलाई नाइनटीन फोर्टी थ्री इशूड फ्रॉम देर इज़ अ फेमस कॉल दिल्ली चलो ठीक है क्योंकि दिल्ली राजधानी थी और वहीं से अंग्रेजों को हटाना था और इंडियन नेशनल आर्मी के जो कमांडेंट ये आपके ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी थ्री में बने और आजाद हिंद फौज का गठन कर दिया अंडमान एंड निकोबार में और इनके सरकार को बारह देशों का समर्थन प्राप्त था जिसमें जापान और उस समय का सबसे पावरफुल देश यूएसएसआर शामिल था तो इन सभी बातों को आपको जानना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री कुछ और है पढ़ाया कुछ और जाता है चलिए अवार्ड ऑफ मेरिटोरियस सर्विस मेडल टू एडमिरल सुनील लांबा, तो मैंने ये आपको तो कवर करा दिया है अब अगला हमारा जो इवेंट है इंडियन नेवी लॉन्चेस स्टील फ्रिगेट तारागिरी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका इवेंट है इसको आप देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाएंगे तो इंडियन नेवी का जो आपका प्रोजेक्ट सेवेंटीन ए है जिसको मजगांव डॉक लिमिटेड ने आपका डेवलप किया है उसी के तहत आपकी स्टीन फ्री शिप तारागिरी को अभी आपका लॉन्च कर दिया गया है ठीक है तो ये आपकी प्रोजेक्ट सेवनटीन ए के तहत बनाया गया है बात बाकी बात कर लेते हैं द वेसल इज बींग लॉन्च विथ एन एक्सपोर्मेट लॉन्च ऑफ थर्टी फाइव हंड्रेड टेन टन्स द फ्रिगेट इज डिज़ाइन बाय द इंडियन नेवीज इन हाउस डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन ने इसको डिज़ाइन किया है मैन्युफैक्चर एम के द्वारा किया गया है कौन सा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट सेवेंटीन ए है और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड की आ रही है एक शिप की नहीं प्रोजेक्ट सेवनटीन ए में टोटल चार शिप्स हैं आपके उसकी कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है पच्चीस हजार सात सौ करोड़ रुपए आ रही है ठीक है पहली शिप आपकी नीलगिरी थी दूसरी शिप आपकी उदयगिरी थी ठीक है इसी साल आपकी लॉन्च की गई थी और फिर जो है इनका ट्रायल्स आपका चल रहा है और जल्द ही इंडियन नेवी में शामिल करवा लिया जाएगा बनकर पूरी तरीके से तैयार है नेक्स्ट इवेंट आपका इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज से रिलेटेड है एक्सरसाइज पर्वत प्रहार तो अभी आपने क्या पढ़ा था एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक देखा था अब ये है आपकी एक्सरसाइज पर्वत प्रहार एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक आपके वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ कंडक्ट की गई लेकिन पर्वत प्रहार हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ कंडक्ट की गई क्योंकि अभी इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच आपका डिसइंगेजमेंट पेट्रोलिंग पॉइंट आपके फिफ्टीन से किया गया है और इसी समय जो हमारे जनरल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल पांडे वो आपके लद्दाख के दौरे पर पहुंचे हुए थे जहां पर आ, हमारे गोरगा हाइट्स के स्पॉट पर जो स्प्रिंग एरिया वहां पर दो दिन का आपका एक्सरसाइज पर्वत प्रहार कंडक्ट किया गया जिसमें इंडियन आर्मी की तरफ से अलग अलग आपके चॉपर्स हमारे वज्र होविजर एम ट्रिपल सेवन इन सभी से आपका इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया हमारे इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं उन्होंने अपाचे हेलीकॉप्टर पर शॉर्टी भी ली और उन्होंने देखा कि हमारे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों एक साथ लद्दाख के रीजन में कैसे मिलकर कार्य कर रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने टोटल ट्वेंटी टू आपके अमेरिकन हेलीकॉप्टर की डील की है और जल्द ही वो पूरे आ भी जाएंगे आपाचे की हम कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो देखिए बोइंग कंपनी इसको बनाती है अटैक हेलीकॉप्टर है अमेरिका का ओरिजिन है टॉप स्पीड 365 किलोमीटर पर आर की है और रेंज आपकी ये 476 किलोमीटर की देता है विश्व का सबसे एडवांस सबसे बेहतरीन सबसे लीथल आपका ये कॉम्बेट एयरक्राफ्ट है हिंदुस्तान रिटर्न्स फॉर रिटर्न इन 2022. तो देखिए, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ हु बेटेड इन स्टॉक्स सो ट्वेंटी ट्वेंटी टू काफी अच्छी बात है कंपनी रोज फ्रॉम टर्टी थ्री पर शेयर इन अर्ली जनवरी टू ट्वेंटी फोर दिस डे विच इज रेज ऑफ अबाउट्रेड फाइव परसेंट हम सभी कह रहे हैं ना कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और कभी कहा जा रहा था कि देखिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पूरा फेल हो गया जबकि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जब तक भारत सरकार है तब तक वो चलता रहेगा क्योंकि आपको फोकस किस पे करना है स्वदेशी चीज़ों पर करना है और देखिए भारत ने अपने आप को छह सात साल से लगातार स्वदेशी पर आपका फोकस किया तो हमारे एच का शेयर बारह रुपए से बढ़कर पच्चीस रुपए आपका हो गया है और इस प्रकार से अब हमारी जो एच है उसमें जो कंपनीज़ हैं इन्वेस्ट करेंगी उसके शेयर्स लेंगे जिससे कि इसकी वैल्यू और भी बढ़ेगी और हमारी एच के पास पैसा रहेगा तो वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स को डेवलप कर पाएगी और जिससे कि आपका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता जाएगा एच की शुरुआत 1940 में आपकी की गई थी स्टैंड रोड आपकी कंपनी है हेडक्वार्टर इनका बेंगलुरु में है और यह हमारी भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक है ठीक है और इसी आपके जुलाई महीने में इसी साल के जुलाई महीने में एच ने आपके फ्रांस की कंपनी सेफरन के साथ हेलीकॉप्टर्स के इंजन की भी आपकी डील की हुई है जहां पर सेफरन कंपनी भारत में हमारे एच के साथ इस टाइप्स के इंजन को बनाएंगी अगला इवेंट आपका जीमेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू एक्सरसाइज कंक्लूड्स तो देखिए 17 सितंबर को बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किए गए जीमेक्स एक्सरसाइज ओके का जो आपका छठवा एडिशन था उसको कंडक्ट कर लिया गया है अब सिर्फ सुनते ना रहिए हर एक पॉइंट पर गौर करिए सबसे पहला जीमेक्स एक्सरसाइज 2022 में आपकी कंडक्ट हुई कहाँ पर हुई वे ऑफ बंगाल में हुई

दोनों देशों की तरफ से कौन से शिप्स ने पार्टिसिपेट किया ये भी जानना जरूरी है तो जापान की तरफ से इजूमू और ताका नामी ठीक है ये शिप्स आई थी उन्होंने आपका पार्टिसिपेट किया द एक्सरसाइज विच मार्क द टेंथ एनिवर्सरी ऑफ द जीमेक्स सिंस इट्स इंसेप्शन टू थाउजेंड टूल और मेरे ख्याल से बाइनअल एक्सरसाइज है थोड़ा ठीक है इसको थोड़ा आपका चेक करना पड़ेगा क्योंकि 2012 से इसकी आप शुरुआत हुई है ना 2012 से इसकी शुरुआत की गई है इट इज आई थिंक बाइनुअल एक्सरसाइज ठीक है इसको आप देख लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज आपका कंडक्शन किया गया अगला इवेंट आपका जैसे मैंने बताया कि इंडियन आर्मी और चाइना के बीच आपका डिसंगेजमेंट हो गया है ईस्टर्न लद्दाख में जो आपका गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया था और शांति बहाली तेजी से हो रही है ना अब बात कर लेते पीपी -पी होता है क्या है काफ़ी बार आप पढ़ते हो ना कि सर पीपी -पी, तो पीपी -पी का फुल फॉर्म आपका पेट्रोलिंग पॉइंट्स होता है पेट्रोलिंग पॉइंट्स एक ऐसे आपके एरिया हैं जो कि बॉर्डर डिमार्केशन करते हैं इंडिया और चाइना के बीच में तो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से दोनों देशों की सेनाएं अभी आपकी हटी हुई हैं जिससे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आपका शांति व्यवस्था को बनाया जा सकेगा और देखिए यहाँ पर पेट्रोलिंग पॉइंट फर्स्ट पेट्रोलिंग पॉइंट सेकेंड थर्ड ना पेंगोंग से लेकर आपकी तिब्बत से निकल के भारत की तरफ आती है तो ये डिसंगेजमेंट का प्रोसेस आपका हो गया है अगला इवेंट आपका आइनस बारातंग बारा एंड इंडिजियसली बिल्ड फास्ट ट्रैक एयरक्राफ्ट अटैक क्रा, क्राफ्ट सेलिब्रेटेड सिक्सटींथ एनिवर्सरी तो देखिए इंडियन नेवी का जो आपका बंग्राम क्लास का चौथा पेटल वेसल जो एयरक्राफ्ट है जिसका नाम आइनस बारतांग है उसने अपनी सोलहवीं अभी एनिवर्सरी मनाई है जो कि एक प्रकार का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हमारे जो कोस्टल एरियाज होते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उनमें इस प्रकार के शिप्स का आपका यूज़ किया जाता है नेम आपने इसको देख ही लिया इसकी जो डिज़ाइनिंग कंपनी है बिल्डर्स है वो जी आर एस सी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और ऑपरेटर इसकी इंडियन नेवी है ठीक है क्लास टाइप इसकी बांगराम क्लास टाइप पेट्रोल है यानी कि ये ओपीवी है डिस्प्लेसमेंट 260 हंड्रेड का देती है फुल लोड के साथ लेंथ 46 मीटर स्पीड आपकी 56 किलोमीटर पर आर और आर्मामेंट इसमें आपके 30 एम की जो है गन लगी हुई है नेक्स्ट इवेंट काफी इंपॉर्टेंट है तो देखिए ईरान साइंस फॉर्मल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू ज्वाइन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अभी संघाई में टोटल आपके एट परमानेंट मेंबर्स हैं अब नाइन परमानेंट मेंबर कौन बन जाएगा हमारा ईरान बन जाएगा तो ईरान ने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे उस पर साइन कर दिया है और अगले साल से जो आपकी एस सी ओ की बैठक होगी उसमें आपका ईरान भी परमानेंट मेंबर की हैसियत से आपका उसमें पार्टिसिपेशन करेगा ईरान्स एंट्री इन द एस सी ओ विल बूस्ट इंडिया यूरेशन आउटरीच इंश्योरिंग सीमलेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिया एंड ईरान एंड यूरेशियन स्टेट बिसाइड्स द रशिया और दोनों देशों के बीच देखें तो आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और आपका चाबहार पोर्ट है उससे भारत के ट्रेड को काफ़ी आपका गति मिलेगी जिससे कि हम बेहतर तरीके से आपके मिडिल ईस्ट कंट्री और आपका सेंट्रल एशिया की तरफ अपना व्यापार बढ़ा पाएंगे नॉर्थ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है क्या तो यहाँ पर आप मुंबई देख पा रहे हो ना अब पहले हम इस रास्ते को फॉलो करते थे तो देखिए ब्लू वाले को फिर हम जाके रशिया की तरफ पहुंचते थे लेकिन अब क्या होगा सीधा हम ईरान के चाबहार पोर्ट पे जाएंगे और यहीं से आगे आपका रशिया की तरफ चले जाएंगे ठीक है और फिर हमारी चीज़ें आपके पूरे यूरोप में भी फैल जाएंगी तो बेहतरीन तरीके से हम अपना व्यापार कर सकते हैं अगला इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं आइनस अजय डी कमीशन क्योंकि अभी आप एग्जाम देख रहे हो चाहे सीएपीएफ का हो एफ कैट का हो एनडीए सी का हो वहां पर इंडियन नेवी के ऐसे शिप्स जो कि डी कमीशन हो गए हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे अभी आइनस अजय आपका डी कमीशन हुआ है 19 सितंबर को अपने 32 टू की सर्विस के बाद और इसको सबमरीन हंटर के नाम से जाना जाता था ठीक है सबमरीन हंटर एंटी सबमरीन रॉकेट्स इसमें लॉन्ग रेंज टॉर्पिडोज रहते थे इसलिए इसको सबमरीन हंटर के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट इवेंट काफी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इंडिजीनियस अटैक हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर टू बी इंडक्टेड इन एयरफोर्स एट जोधपुर बेस ऑन थर्ड अक्टूबर तो देखिये तीन अक्टूबर आज से तीन दिन के बाद आपका तीन अक्टूबर आएगा जहां पर हमारी इंडियन एयरफोर्स जोधपुर के बेस पर ठीक है जो जो जोधपुर जो का इंडियन एयरफोर्स का बेस है वहां पर हमारे एल के स्क्वाडन को आपका क्या करेंगे इंडक्ट करेंगे और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है जहां पर जिसको आप डिफेंस डेली डिफेंस करंट अफेयर के यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको आप आसानी से देख सकते हो और इस प्रकार के एल का निर्माण किसने किया है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हाई एल्टीट्यूड बंकर स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट इन सभी को उड़ाने में ये हमारे कॉम्बेड एयरक्राफ्ट शामिल हैं ठीक है यानी कि पूरी तरीके से सक्षम है अभी हम आपके कॉम्बेड एयरक्राफ्ट किससे किससे खरीदते थे तो हम रशिया से और अमेरिका से अब हमने अपनी पूरी कैपेबिलिटी इसमें ले ली है कि हम खुद से अपना कॉम्बेड एयरक्राफ्ट बना सकते हैं हेलीकॉप्टर बना सकते हैं तो अब हम रशिया और अमेरिका से बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे और पैसा हमारा बचेगा भी और हम इंडियन रुपीज़ में क्या करेंगे डील करेंगे और हमारी एच एल तो है ही है वो हमको बना के दे देगी और ऐसे टोटल आपके फिफ्टीन हेलीकॉप्टर्स इंडक्ट किए जाएंगे ठीक है तो देखिए इंडियाज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन मार्च क्लियर फिफ्टीन सच हेलीकॉप्टर फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड द आर्मी एट अ कॉस्ट ऑफ थर्टी एट हंड्रेड एटी सेवन तो पंद्रह हैं पंद्रह में से दस किसको दिया जा रहा है एयर फोर्स को दिया जा रहा है रेस्ट ऑफ फाइव हमारे इंडियन आर्मी को दिया जाएगा और ऐसे टोटल आपके 95 फाइव हेलीकॉप्टर्स आएंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट इवेंट इंडियन एयरफोर्स प्रोजेक्ट चीता फॉर वेपनाइजिंग इसराइली ड्रोन टू बी अवॉर्डेड टू इंडियन फर्म्स अब मेक इन इंडिया को बढ़ाते हुए प्रोजेक्ट चीता को हमारे इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट चीता है क्या इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है और डेली डिफेंस कनेक्टफेयर के चैनल पर आप जाके इसकी पर्टिकुलर वीडियो आप देख सकते हैं जहां पर मैंने डिटेल एनालिसिस करके आपको इसके बारे में बताया है अब यह है क्या देखिए अभी हम इसराइल से आपके ड्रोन्स खरीदते हैं ठीक है कौन कौन से ड्रोन खरीदते हैं हेरॉन हारपी हरून तो जो आपके हेरॉन ड्रोन्स हैं उसमें जो आपकी टेक्नोलॉजी अब इंडक्ट की जाएगी अब वो भारतीय कंपनियों के द्वारा उसमें लगाया जाएगा अंडर द एम्बीशियस प्रोजेक्ट चीता द इंडियन एयरफोर्स वॉन्ट टू अपग्रेड इट एग्जिस्टिंग फ्लीट ऑफ इसराइली ओरिजिन हेरॉन अनमेंड एयर व्हीकल विथ बेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ एंड मिसाइल्स विच कैन टारगेट एनिमी एमी पोजिशन फ्राम लॉन्ग रेंज अब हम इसराइल की कंपनी से नहीं कह रहे हैं कि भैया आप आके थोड़ा इसमें थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन की मिसाइल्स और कम्युनिकेशन सिस्टम लगा दीजिए बल्कि अब हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की कंपनी से कह रहे हैं कि आइए और इसको और भी बेहतरीन करिए नेक्स्ट इवेंट श्री विजय कुमार सिंह एज्यूम्स चार्ज एज सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपकी ये न्यूज़ है जहां पर जो मिस्टर विजय कुमार सिंह है उन्होंने एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है उसका पदभार एज अ सेक्रेटरी 19 सितंबर को संभाल लिया है ये 1990 के आई आपके ऑफिसर हैं पंजाब कैडर के, के 32 साल का इनको लंबा आपका अनुभव है और ये अब हमारे एक्स सर्विसमैन वेलफेयर में सेक्रेटरी रहेंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में आपके स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर इन्होंने कार्य किया हुआ है बाकी बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आपका डिपार्टमेंट है जिसको 2004 में आपका सेटअप किया गया था जिससे कि जो हमारे आपके पेंशनर्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी आपके वर्क्स होते हैं उनको देख सकें और इनके जो सेक्रेटरी होते हैं मेनली आपके आई ऑफिसर बनाए जाते हैं नेक्स्ट इवेंट काफी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वुमेन चिनूक पायलट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स तो देखिए टू फीमेल कॉम्बेट पायलट्स आर टेकिंग द कंट्रोल्स ऑफ द चिनूक हेलीकॉप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन एयरफोर्स हिस्ट्री द बोइंग मल्टीमिशन हेलीकॉप्टर हैज बीन इसलिए एंड एसेस्ड आर्मी डेवलपॉयमेंट्स तो ये दोनों आपकी एयरफोर्स की महिला पायलट्स कौन है स्क्वाडर्न लीडर पारुल भारद्वाज और स्वाति आपकी राठौड़ ठीक है जो कि आपके चीनूक हेलीकॉप्टर को हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ आपकी चला रहे हैं जैसे कि ये दिखता है कि इम्पावरिंग वेमेन इम्पावरिंग भारत और चीनूक हेलीकॉप्टर आप सभी जानते हो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स में ये शामिल है और इंडियन एयरफोर्स इसको ऑपरेट करती है अमेरिका की बोइंग कंपनी उसको बनाया करती है टॉप स्पीड की बात कर लें थ्री किलोमीटर पर आर 1962 में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ काफ़ी वर्जन इसके आ चुके हैं क्रूज स्पीड 291 किलोमीटर और बोइंग कंपनी इसको बनाती है अमेरिका की नेक्स्ट इवेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सियाचिन ग्लेशियर द वर्ल्ड हाइस्ट बैटल गेट्स सेटेलाइट ब्रॉडबैंड फॉर ट्रूप्स तो पहली बार ऐसा हुआ है कि विश्व का कोई देश अपने सबसे ऊंचाई वाले रण क्षेत्र में उन्होंने इंटरनेट को लगा दिया है अभी तक इंटरनेट सियाचिन में नहीं जाता था इतनी ऊंचाई पर लेकिन इंडियन आर्मी हैं तो हैं, है तो मुमकिन है ठीक है तो इंडियन आर्मी की जो आपकी फायर एंड फ्यूरी कोर है सियाचिन ग्लेशियर में जो आपकी तैनात है उन्होंने वर्ल्ड के हाइएस्ट बैटल में आपका सक्सेसफुली आपके इस इंटरनेट फैसिलिटी को वहां पर आपका लगा दिया जो कि आपका बीबीएनएल का है सियाचिन ग्लेशियर हैव एक्टिवेटेड सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस ऑन द सियाचिन फीट वर्ल्ड हाइएस्ट बैटल फील्ड तो आप देख पा रहे हो सियाचिन ये है आपका वैसे ये पूरा हमारा गिलगिल गिलान है इसको भी हमको एक दिन जरूर लेना है ना और इंशाल्लाह हम इसको जरूर लेकर रहेंगे इट इज वर्थ नोटिंग दैट इंडियन आर्मीज फायर एंड फ्यूरी कोर सियाचिन सिग्नल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी इन दर्ल्ड हाइएस्ट बैटल फील्ड सियाचिन अगला इवेंट आपका इंडियन एयरफोर्स सेट टू रिटायर अभिनंदन वर्धमान मिक 21 स्क्वाड्रन दिस मंथ तो आज आपकी 30 तारीख है आज 30 तारीख को अभिनंदन वर्धमान जिस स्क्वाड्रन से रिलेट करते थे ना जिसका नाम स्क्वाड आम था स्क्वाडन नंबर 51 था अब उसको जो है आपका आज क्या कर दिया जाएगा डी कमीशन करवा दिया जाएगा तो काफी अच्छी बात है और इसी स्क्वाडन में रहते हुए अभिनंदन वर्धमान ने अमेरिका के एफ सिक्सटीन विमान को ध्वस्त किया था इस स्क्वाडन का नंबर है फिफ्टी वन जिसको हम आर्म्स के नाम से जानते हैं और अभी टोटल हमारी कितनी आपकी आर्म्स हैं? टोटल आपकी फोर स्क्वाडन हैं मिग ट्वेंटी वन की जिसमें एक स्क्वाडन आज रिटायर कर दिया जाएगा रेस्ट जो आपकी तीन बच रही उनको हम धीरे धीरे दो तक रिटायर कर देंगे ठीक है चलिए और इसी स्क्वाडन ने इसी आपकी 51 वन स्क्वाडन स्वाड आर्म्स ने ऑपरेशन सफेद सागर में भी आपका पार्टिसिपेट किया हुआ था 1985 में सबसे पहली बार इसको रीच किया गया जिसका मोटो क्या है विजय पराक्रम वेलर फॉर विक्ट्री तो अजय आईने सजे तो आपकी डी कमीशन हो ही गई है तो मैंने आपको पढ़ा दिया है अगले इवेंट पे आते हैं हम आप सभी ज्वाइंट एक्सरसाइज अभ्यास ट्वेंटी ज्वाइंट एक्सरसाइज अभ्यास ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो देखिए अमेरिका की कोस्ट गार्ड और हमारी इंडिया की कोस्ट गार्ड दोनों ने आपका विशाखापतनम की तरफ इस एक्सरसाइज अभ्यास को कंडक्ट किया है तो वैसे आप याद रखिए बस इतना याद रखना है कि ज्वाइंट एक्सरसाइज अभ्यास किन दो देशों के बीच और किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच किया गया है नौसेना नहीं है बल्कि कोस्ट गार्ड्स हैं दोनों देशों की अगला आपका इवेंट इंडियन आर्मी विल बी कंप्लीटली आत्मनिर्भर बाई ट्वेंटी फोर्टी सेवन सेट बाई एडमिरल आर हरि कुमार तो देखिए एडमिरल जो हमारे आर हरि कुमार हैं उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार सैतालीस तक जब भारत अपना सौवा स्वतंत्रता तो का अमृत महोत्सव मनाएगा तो उस समय हमारी भारतीय नौसेना पूरी तरीके से क्या हो जाएगी सक्षम हो जाएगी हम पूरी तरीके से स्वदेशी हो जाएंगे और ये काफ़ी अच्छी बात है by 2047 we will have a complete indigenous navy whether it ships submarine aircraft uav weapon entire complex indian navy embarked on its indigenization drive in 1961 jab aapki ins ajay sabse pehli bar aayi thi theek hai और अब आईने सजा को तो डी कमीशन करा दिया गया उसी समय इन्होंने कहा कि 47 तक हम पूरी तरीके से अपने नेवी को इंडिजनाइज कर लेंगे Indian Coast Guards inducts Samarth ship. तो देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये इवेंट है और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि सितंबर 2022 का जो मंथ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपकी इस मंथ में हुई है इंडक्शन हुआ है कमीशन डी कमीशन हुआ है ना आपकी डील्स हुई हैं आपकी एक्सरसाइज हुई हैं तो यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा और जब एग्जामिनर आपका क्वेश्चन बनाएगा ना तो यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पिक भी करेगा इंडियन कोस्ट गार्ड इंडक्टेड आई एन समर्थ इन इट्स फ्लीट टू स्ट्रेंथन द कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म आई सी जी एस समर्थ इज अ वन हंड्रेड फाइव मीटर लॉन्ग शिप कैन अटेन अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ थर्टी फोर किलोमीटर पर आवर स्पीड ठीक है और इस आपके शिप में इंटीग्रेटेड ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम पावर मैनेजमेंट सिस्टम हाई पावर एक्सटर्नल फायर फाइटिंग सिस्टम सभी तरीके से इक्विप्ड कर दिया गया है अगला आपका जो इम्पोर्टेंट इवेंट है लॉन्च ऑफ टू डाइविंग सपोर्ट वेसल जिसको हम डीएसवी कहते हैं तो देखिए दो नए हमारे डीएसवी निस्तार और निपुण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए गए हैं विशाखापत्तनम में और 22 अक्टूबर को एडमिरल हार आर हरि कुमार ने इसको आपको हमारे इंडियन नेवी में आपका कमीशन करवा दिया है इनकी आपकी जो लंबाई है वन हंड्रेड मीटर की है और इनका डिस्प्लेसमेंट नाइन्टी थ्री का है तो इंडियन नेवी की ये आपकी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स हैं जो कि हमारे इंडियन नेवी को और भी एज प्रोवाइड करेंगी क्वेश्चन आता है कि डाइविंग सपोर्ट वेसल्स क्या हैं तो देखिए इनका सबसे इस्तेमाल जो है इंडियन हमारे ओशंस में एक्सप्लोरेशन्स के लिए किया जाता है जो हमारे इंडियन नेवी के डाइवर्स होते हैं समुद्र में आपके काफ़ी अंदर तक जाते हैं खोज करने के लिए या फिर आपको ऐसा कोई ऑपरेशन मिला कि आपको काफ़ी डीप डाइविंग करनी है तो सब पूरे इक्विपमेंट डीप डाइविंग के आपके इसी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स में मिलते हैं साथ ही साथ अगर हमको किसी नेचुरल साइट का अपने सी या फिर ओशन में एक्सप्लोरेशन करना है तो वो एक्सप्लोरेशन हम इस डी के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं इस आपके डी में एक हेलीकॉप्टर डेक भी लगाया जाता है ओके जिससे कि हम बेहतर तरीके से सर्च एंड रेस्क्यू का भी ऑपरेशन कर पाए तो विश्व के काफ़ी इंपॉर्टेंट देशों के पास ये आपकी टेक्नोलॉजी है अब भारत ने भी इसको डेवलप कर लिया है भारत की किस कंपनी ने किया ये भी याद रखना है आपको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने आपका किया हुआ है ठीक है जिसका नाम क्या है निस्तार और निपुण है एट्टी परसेंट इंडिजीनियस कंटेंट के साथ इनको हमने बनाया हुआ है तो दोनों को आप देख पा रहे हो और जो हमारी एडमिरल जी की वाइफ है ओके उनके द्वारा इसकी पूजा पाठ करवा के इसको आपका कमीशन करवाया गया तो आप देख रहे हो कि भारत बदल रहा है और इसीलिए बच्चों आपको भी बदलते भारत में अपने आप को बदलना है अपने आप को बेहतर करना है रट्टा मार पढ़ाई से कुछ काम नहीं चलने वाला है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई हो रहा है क्वेश्चंस बनने के जो पैटर्न हैं वो भी चेंज हो रहे हैं इसीलिए आपको वर्क हार्ड तो करना ही साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी करना जिससे कि आप अपना टाइम भी बचा पाओ और चीज़ों को लेंस से ना अच्छे तरीके से देखो कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कैसे पूछे जा सकते हैं और जैसे आप ये क्लास कर रहे हो तो ये क्लास आपके सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए नहीं बल्कि आपके आने वाले एस इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हमेशा लगातार पंक्चुअल रहते हो क्लासेस में और ये आपकी पंक्चुअलिटी आपको ज़रूर आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी नेक्स्ट इवेंट तो इस मंथ की सबसे बड़ी डिफेंस डील मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड कंपनी के साथ की गई है 1700 करोड़ की डील है जिसमें इंडियन नेवी के ब्रह्मोस जो हमारा मिसाइल है उसके डुअल रोल कैपेबल सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल की डील आपकी की गई है बाय इंडियन कैटेगरी के माध्यम से अब इसमें होगा क्या तो देखिए इंडक्शन ऑफ दिस डूल रोल कैपेबल मिसाइल इज गोइंग टू सिग्निफिकेंटली एनहांस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन नेवी फ्लीट ये डिफेंस मिनिस्ट्री हमने कहा है और डुअल रोल कैपेबिलिटी होता क्या है तो डुअल रोल मिसाइल्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी हम किसी भी सरफेस पे भी उसको हम लॉन्च कर सकें और शिप से किसी भी एंटी शिप टैंक को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकें तो इसको हम कहते हैं डुअल रोल कैपेबिलिटी सरफेस टू एयर में भी जाएगा सरफेस टू सरफेस में भी जाएगा सरफेस टू शिप में भी जाएगा इस प्रकार की मिसाइल्स की डेवलपमेंट करने की डील हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और बी के द्वारा करवा दी गई है अगला इवेंट द क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ एच विल बी ऑफिशियली ओपन बाई द प्रेसिडेंट तो काफ़ी बार मैंने इसको पढ़ाया भी है आपको और इससे रिलेटेड मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है जिन बच्चों को अच्छे तरीके से समझना है कि क्रायोजेनिक इंजन्स होते क्या हैं वर्क क्या है उनके तो उस वीडियो को आप बिल्कुल देख सकते हो अभी हाल ही में चार पांच दिन पहले भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा बेंगलुरु में आपके एच के द्वारा बनाए गए इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनाग्रेट किया गया है अ क्रायोजेनिक इंजन यूज अ क्रायोजेनिक फ्यूल ऑक्सीडाइजर बोथ लिक्विफाइड ठीक है अभी मैं बताता हूँ ये क्या होता है विच इज इज स्टोर्ड एट वेरी लो टेम्परेचर प्रेजेंटली इसरो इज यूजिंग दिस इंजन फॉर इट्स हैवी लाइट रॉकेट्स अब देखिए ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नाइनटीन एटीज में आ जाती क्योंकि रशिया हमको इसको दे रहा था लेकिन अमेरिका ने रशिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर लगा दिया था कि आपको नहीं देना है तो इसलिए रशिया ने हमको नहीं दिया और वर्ष दो हजार तेरह चौदह में इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन्स को इंडिया के प्राइवेट इंडस्ट्री के माध्यम से डेवलप कर लिया ठीक है अब हमें ज़रूरत क्या है कि इस इस टाइप्स की इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा सके इसलिए इसरो ने और आपके एच के द्वारा एक डील की गई कि आप जो है एच को कहा गया कि हम आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं और आप इस प्रकार के इंजन्स को डेवलप करोगे रॉकेट्स तो आप सभी जानते हो रॉकेट में इंजन भी लगता है और रॉकेट में आपका एक टैंक लगता है ठीक है जिसमें आपका लिक्विड भरा रहता है अब लिक्विड दो तरीके होते हैं एक सॉलिड होता, होता है एक लिक्विड होता है सॉलिड प्रपल्शन और लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम इसमें आपके जो प्रपल्शन होते हैं उसमें हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को माइनस टू हंड्रेड थर्टीन डिग्री सेल्सियस की तरफ ले जाते हैं यानी कि सुपर कूल्ड कर देते हैं ऑक्सीजन को भी और आपका हाइड्रोजन को भी और इस टैंक में आपका फिल करते हैं इस टैंक को बनाता कौन है एच बनाती है जिससे कि जिससे कि होगा क्या मान लीजिए अगर आप सॉलिड रखोगे तो सॉलिड तो स्पेस ज्यादा लेगा आपका लेकिन लिक्विड आपके कम स्पेस लेगा ठीक है और वो सुपर कूल्ड है तो धीरे धीरे वो जलेगा भी जिससे कि थ्रस्ट भी हमको मिल पाएगी और हम आसानी से कम स्पेस में इस प्रकार के ट्यूब्स को अपने रॉकेट्स में लगाकर कार्जेनिक इंजन के साथ अपने स्पेस में हम भेज सकेंगे इन in 2015 थाउजेंड इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस डिजाइन डेवलप्ड हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जनरेटिंग टन थ्रस्ट ऑफ नाइनटीन टक्सेसफुली इंडोरेंस टेस्ट ऑफ एट हंड्रेड सेकेंड यानी कि आठ सौ सेकेंड तक हमने जो है इसको आपका किया था ठीक है और ये आपका इंजन है जिसको आप देख पा रहे हो इसको जीएसएल मार्क थर्ड में आपका लगाया जाएगा चलिए अगला इवेंट आपका डिफेंस मैन्युफैक्चर साब टू प्रोड्यूस काल गुस्ताब एम फोर सिस्टम इन इंडिया आज या कल में ये भी वीडियो आपको मिल जाएगी काफी इंपॉर्टेंट आपकी डील है और अब जो स्वीडन की कंपनी है जिसका नाम साब है जो कि एक डिफेंस कंपनी है वो अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी कि काल गुस्ताब एम फोर वेपन्स की यूनिट भारत में लगाएगी और इस कंपनी की विदेश में लगाई जाने वाली ये पहली यूनिट है इनकी सिर्फ यूनिट आपकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्वीडन में ही है लेकिन पहली बार ये भारत में इसको लगाने वाले हैं क्योंकि बाहर की तरफ से इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है हमारी जो तो इंडियन आर्म फोर्सेस रहती है इस प्रकार के गन का सबसे ज़्यादा यूज करती हैं और तो 2024 तक ये भारत में अपना यूनिट इस्टेब्लिश कर देंगे द न्यू फैसिलिटी विल सपोर्ट इट प्रोडक्शन एज वेल एज कंपोनेंट्स फॉर यूजर्स ऑफ द सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड ठीक है और हमारी इंडियन आर्मी कॉल कार्लगुस्ताफ एम फोर आपके गन का यूज़ करती है जिसका इन्स वर्जन वो उसकी यूनिट यहाँ पे लगाएंगे जिसकी रेंज कितनी रहेगी फिफ्टीन हंड्रेड मीटर की रहेगी ठीक है आप जब ओ टी ए में जाओगे आई मे में जाओगे एन डी ए में जाओगे तो आपको इस हथियार के साथ क्या के? ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें सबसे बेहतरीन आपके टेलीस्कोपिक साइट एडिशनल ऑप्शन ओपन साइट रेड डॉट साइट एडवांस फायर कंट्रोल डिवाइसेस ये सभी इसमें इंडक्ट रहा करती हैं जी हाँ प्रतीक ठीक है हमारे पास एटी भी हैं इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट वुमेन सुखोई थर्टी वेपन सिस्टम ऑपरेटर तो देखिए कल इसकी वीडियो आई भी है और डब्ल्यू एस ओ का फुल फॉर्म जान लीजिए वेपन सिस्टम ऑपरेटर ठीक है तो भारतीय वायुसेना की पहली वेपन सिस्टम ऑपरेटर जिसको वीजो कहा जाता है क्या कहा जाता है विजो डब्ल्यू आई डबल जेड ओ कहा जाता है वो हमारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी राव बन गई हैं अब ये होता क्या है तो कल की वीडियो आई थी मेरे ख्याल से आप सभी ने देखा होगा नहीं भी देखा है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ वीडियोज वो होते हैं जो कि आपके आ, जो हमारा फाइटर प्लेन होता है उसके रियर सीट पे बैठते हैं रियर यानी कि पीछे ये देखिए जो यहाँ पर बैठेंगे ना उनको हम वेपन सिस्टम ऑपरेटर कहते हैं वेपन सिस्टम ऑपरेटर कहते हैं ये भी आपके पायलट्स होते हैं ठीक है अब इनका काम क्या रहता है तो दोनों पायलट्स का काम क्या रहता है पहले मैं आपको ये बता दूँ जो आपका आगे रहता है वो मेन पायलट रहता है यानी कि वही ड्राइवर है प्लेन को उड़ाने की जिम्मेदारी उसके पास है पीछे वाले के क्या है युद्ध की स्थिति में आर्मामेंट्स को कंट्रोल करना उनको फायर करना ये जिम्मेदारी किसके पास रहती है वीजो की रहती है तो भारत की पहली वीजो कौन बन गई है लेफ्टिनेंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी रंगाराव बन गई है यह भी आपको पता रहना चाहिए चलिए और सबसे बड़ी अपडेट इस मंथ की कल ही परसों ही आपकी आई थी उस पर भी वीडियो हमने बना दिया है आप सभी ने देख लिया होगा कि अब हमारे भारतीय सेनाओं को उनके नए दूसरे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ यानी कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष मिल गए हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ये इंडियन आर्मी से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर हैं जिनके पास पीवीएसएम यू वी आई यू आई एस एम जैसे तमाम आपके ऑनरेरी मेडल हैं और ये हमारे नेक्स्ट सी होंगे साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के भी ये सेक्रेटरी आपके होंगे फोर्टी इयर्स का इनका लंबा आपका एक्सपीरियंस है जहां पर यो आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया और जम्मू कश्मीर में काउंटर इन ऑपरेशन में आपके संलिप्त थे एटीनथ में नाइनटीन को इनका इनका बर्थ ऑफ डेट है और इस प्रकार से ये अभी आपके इकसठ साल के हैं ठीक है और सी कब तक कोई रह सकता है सिक्सटी फाइव ईयर्स तक रह सकता है तो इनके पास टोटल आपके चार साल हैं कि ये अपनी सेवा हमारे सेनाओं को दें जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इलेवन गोरखा राइफल से हैं और इसी गोरखा राइफल से हमारे पहले के जो चीफ थे जनरल बिपिन रावत वो भी थे जो कि भारत के पहले सी थे मेजर जनरल रहते हुए इन्होंने जम्मू कश्मीर के नॉर्दर्न सेक्टर बारमूला सेक्टर में आपका इन्फेंट्री डिवीजन को आपका हेड भी किया हुआ था इसके अलावा ईस्टर्न कमांड के ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आपके 2019 से 2021 तक रहे हैं उसके बाद ये रिटायरमेंट को प्राप्त हुए और ये भारतीय थल सेना के अब हमारे सेनाओं के सी रहेंगे ठीक है नेक्स्ट इवेंट इंडियन नेवी पी एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज का कार्डो इन ऑस्ट्रेलिया डार्विन तो देखिए काकाडो के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि काकाडो एक्सरसाइज एक प्रकार के नेवल एक्सरसाइज है जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया में अभी कंडक्ट हो रही है और मेरे ख्याल से खत्म भी हो चुकी है जिसमें थर्टी फोर एयरक्राफ्ट टोटल ट्वेंटी नेशन के आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडियन नेवी की तरफ से भी हमारे पी एट आई एयरक्राफ्ट ने आपका पार्टिसिपेशन किया हुआ है अपने आप सभी जानते हो कि किस क्रैक एग्जाम आप सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स लेकर आया जहाँ पर एनडीए सी डी एस एम एस टेडिटोरियल आर्मी एम तो नहीं एफ कैट सी डी करंट अफेयर डिफेंस करंट अफेयर के चैनल्स हम लाए हैं सभी चैनल्स को आप सभी लाइक कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सके ऐसे स्टूडेंट जो कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हैं उनके लिए एन डी ए सी डी एस एम एन एसटूल आर्मी सभी आपके कोर्सेज हैं जहां पर आपको सभी कोर्सेज़ के फुल फ्लैज बंडल्स और टेस्ट सीरीज़ मिला करते हैं जिससे कि आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे इस क्लास की पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम और ब्लॉक पर जाके साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो अपने आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं वो इस वॉरी टेन कोड का यूज करें जिससे कि आपको टेन परसेंट का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिल जाए तो बच्चों तैयार हो जाइए मैं पानी पी लेता हूं क्योंकि अब हम रिव्यू क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे ठीक है और बच्चों लाइक करते जाओ सेशन को ठीक है आपके लिए ही ये सेशन है कि आप अपने आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें और ऐसी पढ़ाई डिफेंस है आपको कहीं और नहीं कराई जाती है ठीक है चलिए जहां पर हम आपके साथ डेली पंक्चुअल रहते हैं और हर आपके मंथ के लास्ट में आपके लिए ये मंथली करंट अफेयर की कंपाइलेशन क्लास आपके लिए लेकर आते हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज वोस्तो ट्वेंटी ट्वेंटी टू इज अ डोमेस्टिक एक्सरसाइज बाइलेटल एक्सरसाइज मल्टीनेशनल या फिर इनमें से कोई नहीं ज़हीर सर जल्द ही आएंगे ठीक है मेडिकल इशू है आराम कर लेने दीजिए उनको एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दैट इज इट इज अ टाइप ऑफ अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ठीक है जिसमें रशिया पाकिस्तान भारत चाइना और भी अन्य तमाम देश उजबेकिस्तान ये सभी शामिल होते हैं एक्सरसाइज वोस्तोक 2022 कंडक्टेड एट वेयर चाइना भारत रशिया मालदीव एक्सरसाइज वोस्तोक 2022 इस बार कहां पर कंडक्ट की गई है एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दैट इज द इन दी रशिया ना रशिया के आपके ईस्टर्न प्रोविंस जो कि वो है वहां पर इसको किया गया है चलिए उस बार भी मैंने आपसे पूछा था कि थोड़ा काउंट करके बताइए कि कितनी आपकी टैंक्स हैं पीछे भी हैं, देख लीजिएगा, आगे पीछे सब जगह और कितने सोल्जर्स हैं उनको काउंट करके आप बताइए फटाफट आइनस विक्रमादित्य इज अ मोडिफाइड डैश एयरक्राफ्ट कैरियर क्लास सूर्य क्लास क्लास निको क्लास या फिर नन ऑफ द आयिस विक्रमादित्य किस आपके क्लास की मोडिफाइड एयरक्राफ्ट कैरियर है एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए कीव ठीक है 1996 में ने इसको रिटायर किया था उसके बाद 2013 में हमने इसको 2.35 यूएस डॉलर के डील के साथ खरीद लिया है रिसेंटली विच मिसाइल इज फायर फ्रॉम आइनस विक्रमादित्य अस्त्र बराक अग्नि नाग रिसेंटली विच मिसाइल इज फ्रॉम आइनस विक्रमादित्य एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दैट इज द बराक ठीक है बराक मिसाइल को अभी हाल ही में टेस्ट फायर किया गया है ऑपरेशन रेंज ऑफ बराक एट मिसाइल इज सेवेंटी किलोमीटर एट्टी नाइनटी या फिर हंड्रेड और बराक मिसाइल आप सभी जानते हो नेवल आपकी नेवी की मिसाइल है जिसको हमने इसराइल से खरीदा हुआ है एंड द करेक्ट आंसर इज द सेवेंटी किलोमीटर ठीक है डिफेंस सर्विसेस स्टाफ कॉलेज इज लोकेटेड एट वेयर वेलिंगटन चेन्नई न्यू डेली या फिर आपका इनमें से कोई नहीं लगातार सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बताइए डी एस एस सी कहां पर है और आपका ये इस क्लास में आपका टेस्ट है ठीक है ये भी देखते रहिए कि आप कितने क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दे रहे हो एंड द राइट आंसर इज द तमिलनाडु के वेलिंगटन में ये आपका डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज लोकेटेड है मोटो ऑफ द सी डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का मोटो इनमें से क्या है टू वॉर विदमकरेज फाइट विद डिटर्मिनेशन या फिर आपका नन ऑफ हिंदी में बता दूं युद्धम हम अब इसकी इंग्लिश आप बना लो एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू वॉर विथ विजडम ठीक है जो उल्लू होता है ना बड़ा ही बुद्धिमान होता है तो इसलिए जब भी युद्ध करना है तो हमेशा प्रज्ञा से करें यानी कि बुद्धिमानी से करें ठीक है पहले सोच लें समझ लें उसके बाद हु द अपॉइंटमेंट ऑफ कमाडांड डीएसएससी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह लेफ्टिनेंट रियल एडमिरल अनिल सेन या फिर इनमें से कोई नहीं चलिए लगातार आंसर बताते जाइए एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इज ऑप्शन ए दैट लेफ्टिनेट जनरल वीरेंद्र वत्स हु टूक ओवर द कमांड ऑफ एयरफोर्स स्टेशन एट जालाली एयर कमांडोर नवीन शिंदे एयर कमाडोर नंद कुमार नायर एयर कमाडोर सरबजीत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सी दैट इज द एयर कमोडोर सरबजीत सिंह इसी महीने इन्होंने अपना ये अपॉइंटमेंट लिया है जे एफ यूएवी फाइटर जेट हेलीकॉप्टर टैंक लगातार बच्चों आंसर देते जाइए क्लास को लाइक भी करिए और एक बार आप सभी पूरे जोश के साथ कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और जय हिंद के उद्घोष के साथ इस कमेंट बॉक्स को भर दीजिए जिससे कि लगे कि हाँ फायर के साथ आपके अंदर भी पूरी एनर्जी है एंड द राइट आंसर ऑप्शन बी इट अ फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ चाइना ठीक है जिसको अभी हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान भी ऑपरेट कर रहा है इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट इज आईन विराट आइएस विक्रांत आईनएस विक्रमादित्य आईनएस समुद्रगुप्त तो भारत का पहला आपका जो स्वदेशी विमानवाहक पोत है उसका नाम है आइनस विक्रांत ठीक है तो कमिश्निंग अब आपकी दो तीन दो फरवरी को दो सितंबर को आपकी कर दी गई है आइनस विक्रांत इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विश कंपनी जी आर एस सी, सी एस एल बी एच ई एल या फिर आपका डी आर डी विक्रांत को इनमें से किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है

राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज कोची कोची कहाँ पे आपका केरल में है ठीक है इनका मोटो क्या है सीसल का कर्मयोगो विशिष्ट कर्म योग से ही विशिष्टता प्राप्त होती है कर्मयोग से ही विशिष्टता प्राप्त होती है स्पेशलाइजेशन आपको काम करने से ही मिलेगी इसीलिए मेहनत से डरना नहीं है और मेहनत करना है दूसरा ये भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आने वाली एक कंपनी है आर्मामेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट इज लोकेटेड इन पुणे महाराष्ट्र बेंगलुरु कर्नाटक चेन्नई तमिलनाडु नन ऑफ देबा एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पुणे महाराष्ट्र साब ए बी इज एन एरोस्पेस कंपनी ऑफ अमेरिका स्वीडन फ्रांस या फिर चाइना साब एक प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपको बता है कि किस देश की है ये आपकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी और आप सभी जान रहे हो कि ये अपनी पहली यूनिट भारत में लगाएंगे काल गुस्ताफ एम4 वेपन सिस्टम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इज हेडेड बाय होम प्राइम मिनिस्टर एनएसए प्रेसिडेंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी चलिए पूरे जोश के साथ आप सभी क्लास में बने रहिए और इसका आपका कर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठीक है गरुण रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड इन एयर एयर एयरफोर्स स्टेशन चंडीनगर चंडीगढ़ चेन्नई बेलगावी बेलगाम एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज द एयरफोर्स स्टेशन चंडीनगर ठीक है दिल्ली के आपके पास है उत्तर प्रदेश में आपका ये पड़ता है और यहीं से अभी हमारे जो गरुण कमांडोज हैं उनको मरून बैरेट देकर आपकी उनकी सेरेमनी कंडक्ट की गई थी विच इज द न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस वरुण योजना अग्निपथ योजना योद्धा योजना करमवीर योजना एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दैट इज द अग्निपथ योजना ठीक है ये महान दृश्य है है जल रहा मनुष्य श्वेत रक्त से लतपथ 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 अग्निपथ 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 ना एक महान योजना है महान अग्निवीरों के लिए सी फेज ऑफ थर्टी एट इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पोरेट एक्सरसाइज कंडक्टेड एट वेयर अंडमान निकोबार बेयर बंगाल अरबियंसी या फिर आपका इंडोनेशियन रीजन इंडिया इंडोनेशिया के बीच जो अभी आपकी थर्टी फेस फेज की कॉर्पोरेट एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी वो कहाँ पर की गई थी

यूएनएससी की के इस बार की जो काउंटर टेररिज्म टेरिज्म की स्पेशल मीटिंग होगी वो किस देश में आपकी कंडक्ट होने वाली है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज भारत ठीक है अक्टूबर में भारत में ये आपकी मीटिंग कंडक्ट होगी और ये माना जा रहा है कि लद्दाख में इसको कंडक्ट करवाया जाएगा कैन रिमोट डिप्लॉयमेंट सिस्टम इज बियर बाय हॉर्स dogs snakes टाइगर इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था जब अभी थोड़ी देर में जब इसका आंसर बताऊंगा तो आप रिकॉल कर लोगे कि हाँ सर लगातार आप सभी आंसर देते जाइए और ये भी अपना लिखते रहिए कि कितने क्वेश्चंस के आंसर हमारे सही हैं ईमानदारी से एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज द डॉग्स ठीक है तो हमारे जो सीआरपीएफ के डॉग्स हैं उनको ये के नाइन विजन सिस्टम और के नाइन रिमोट डिप्लॉयमेंट सिस्टम दिया जा रहा है जिससे कि हम उनको ट्रैक भी कर सकें और वो बेहतर तरीके से किसी भी आपके काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशन में ऑपरेट कर पाएं आईनस सतपुरा इज डिस्ट्रॉयर ओपीवी समरीन फ्रिगेट आइनस सतपुरा इनमें से क्या है एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज अ टाइप ऑफ अ फ्रिगेट ऑफ इंडियन नेवी Minus Hans Indian Navy's premier premier uh, Indian Navy's premier air station celebrated its 61st anniversary on which date 5th September 6th September 7th September 8th September And the correct answer is option A that is the 5th September okay और आईन एस आपके के गोवा में है एसे स्टैंड फॉर वॉट एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स स्कैंड एरे नन ऑफ दे वो एसे एक प्रकार का रडार है जिसको हम उत्तम ए ई एस ए कहते हैं और हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो तेजस मार्क वन एयरक्राफ्ट है उसमें इसको लगाया जा रहा है

चलिए लगातार बताते जाइए एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन लखनऊ मुंबई नोएडा आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड कॉलेज इनमें से कहां पर लोकेटेड है आप सभी को बताना है सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इट इज लोकेटेड इन लखनऊ ठीक है अभी इनका पासिंग आउट परेड भी हुआ था जितने भी आ, आपके मेडिकल ऑफिसर्स थे उनको यहाँ से कमीशन करवाया गया आइनस तारागिरी इज मैनुफेक्चर बाय विच कंपनी सी एस एल एम डी एल जी आर एस सी नैन ऑफ द एब फटाफट बताइए कि आइनस तारागिरी को इनमें से किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया हुआ है और या अभी आपने मैंने पढ़ाया था, था कि इसको आपका लॉन्च करवा दिया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी दैट इज द बाई द मजगांव डॉक लिमिटेड आय तारागिरी इज मेड अंडर डैस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई सेवेंटीन ए फिफ्टीन बी या फिर इनमें से कोई नहीं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज द प्रोजेक्ट सेवेंटीन ए ठीक है टोटल कॉस्ट कितनी है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड करोड़ रुपीज की चलिए लगातार आप सभी के आंसर आने चाहिए पूरी क्लास में आप बने रहिए क्योंकि जितने भी इवेंट्स मैंने आपको कवर कराए हैं और क्वेश्चन जो मैं कवर करा रहा हूं आपकी एग्जामिनेशन में आने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार भी हैं ठीक है सो ऑप्शन ए इज राइट खरगा को फ्लाइट टेस्ट ऑफ क्विक रिएक्शन सर्फिस टू एयर मिसाइल सिस्टम इज डन फ्रॉम पुणे पूरी चेन्नई आई टी आर चंडीपुर उड़ीसा अभी डी आर डी और इंडियन आर्मी ने इस मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग की है कहाँ से की है चलिए लगातार आंसर देते जाइए एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी दैट इज द आई टी आर डायस बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड लीग 2022 चैंपियनशिप ट्रॉफी एट ट्रॉफी विथ अ थ्रो ऑफ 88.44 मीटर अनुरानी शिवपाल सिंह नीरज चोपड़ा इनमें से कोई नहीं सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है स्पोर्ट्स में भी आपसे ये पूछा जा सकता है एंड द करेक्ट आंसर इज दिस सुबेदार नीरज चोपड़ा ठीक है और ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ये आगे बढ़ते जाएं और भारत का नाम बढ़ाते जाएं फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइकर रैली लॉन्च बाय अमित शाह राजनाथ सिंह किरण रिजिजू या फिर नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइकर रैली आपकी लॉन्च की गई थी तो किसने लॉन्च किया था आपको बताना है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए the द right इंडिया the, the uh, Amit Shah ठीक है 9 सितंबर को ये रैली आपके ऑर्गेनाइज करवाई गई थी तो तारागिरी वाला तो क्वेश्चन हमने देखे लिया आंसर तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज पर्वत प्रहार कंडक्टेड इन ले लद्दाख जम्मू या फिर पुणे एक्सरसाइज पर्वत प्रहार जो अभी इस महीने में आपकी कंडक्ट हुई है कहाँ पर कंडक्ट की गई है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज द लद्दाख लद्दाख रीजन में ये आपकी एक्सरसाइज पर्वत प्रहार कंडक्ट करवाई गई किस कमांड ने करवाई है ये आपको बताना है ईस्टर्न नॉर्दर्न वेस्टर्न सदर्न बाई विच कमांड ऑफ इंडियन आर्मी द एक्सरसाइज पर्वत प्रहार इज कंडक्टेड एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बाई द नॉर्दर्न आर्मी कमांड एक्सरसाइज काकाडो ट्वेंटी ट्वेंटी टू इज होस्टेड बाई अमेरिका इसराइल ऑस्ट्रेलिया चाइना काकाडू काकाडू किसका नाम बच्चों मगर मच्छ का नाम है ना बताए थे मैंने आपको और काकाडू नेशनल पार्क अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में बता देना और इस प्रकार से ऑप्शन सी ही सही है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया डार्विन शहर के पास आपकी ये मल्टी नेशनल नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है व्हाट इज द थीम ऑफ द एक्सरसाइज का कार्डू फ्री इंडो पैसिफिक रीजन पार्टनरशिप लीडरशिप फ्रेंडशिप ऑलवेज अहिट या फिर इनमें से कोई नहीं एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी पार्टनरशिप लीडरशिप फ्रेंडशिप याद कर लीजिए काफी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज जीमेक्स ट्वेंटी इंडिया एंड जापान ओमान यू ए या फिर मालदीप एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ई दैट इज द जापान अगला क्वेश्चन भारतीय नौसेना की किस शिप ने जिमेक्स एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गोमती एंड मुंबई कोची एंड वापसी डेली एंड कलावरी कदमता एंड कावरती चलिए फटाफट बताइए विच इंडियन नेवी शिप पार्टिसिपेटेड इन जीमेक्स ऑप्शन डी दैट इज द आइनस कदमत एंड आइनस कावरतीस एक्सरसाइज 2022 कहां पर कंडक्ट हुई है बिया बंगाल अरेबियन सी साउथ चाइना सी या फिर हिंद महासागर इंडियन ओशियन and the right answer is option A that is the ऑफ बंगाल काकाडो ट्वेंटी ट्वेंटी इज बींग कंडक्टेड इन द Australia, ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक ओशियन या फिर इनमें से कोई नहीं काकाडो एक्सरसाइज कहां पर अभी आपके कंडक्ट की गई है अभी चल ही रही है वैसे एंड द राइट आंसर इज the नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया ठीक है डार्विन के पास इसकी लोकेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो ठीक है थर्टी सिक्स ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस साउथ वॉज हेल्ड एट वेयर पोर्ट ब्लेयर चेन्नई पुणे कोयम्बटूर अभी आपकी थर्टी सिक्स ट्राई सर्विसेज कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई थी तो ये कॉन्फ्रेंस कहां पर कंडक्ट हुई थी आपको बताना है सो ऑप्शन ए इज राइट ठीक है चलिए पोर्ट ब्लेयर नेशनल डिफेंस कॉलेज इज लोकेटेड इन न्यू डेली चेन्नई पुणे या फिर इनमें से कोई नहीं नेशनल डिफेंस कॉलेज इनमें से कहां पर है एंड द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए न्यू डेली ठीक है इनका मोटो क्या है आपका बुद्धिस्लेश चलिए मैंने बता ही दिया मोटो ऑफ द नेशनल डिफेंस कॉलेज इज तो हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन ए सही है तस्य ओके, आइनस बारह तांग इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सी एस एल एम डी एल जी आर एस या फिर आपका डी आर डी ओ आइनस बारह इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इनको अभी इनकी सिक्सटीन एनिवर्सरी हो गई है इसीलिए यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है राइट आंसर इज दी ग्रीन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया है आइनस बारतांग इसमें से क्या है डिस्ट्रॉयर है ओपीवी है सबमरीन है या फिर टैंक है काफी आसान सा क्वेश्चन है लगातार आप सभी आंसर देते जाइए एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज अ टाइप ऑफ अ ऑप्शोर पेटल वेसल ऑफ इंडियन नेवी निस्तार एंड निपुण इज अबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाइविंग सपोर्ट वेसल ओपीवी टैंक या फिर आपका प्री एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए इट इज अ टाइप ऑफ अ डाइविंग सपोर्ट वेसल ऑफ इंडियन नेवी ठीक है चलिए सभी के आंसर आने चाहिए और ये भी मुझको आप बता दो कि ये जो आपका निस्तार और निपुण है इन दोनों को किस कंपनी ने डेवलप किया है मैन्युफैक्चर किया है अपने एस इंटरव्यू की प्रिपरेशन को करने के लिए आप सभी डिफेंस डिफेंसिस परसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस के थ्रू हम वन ईयर का फुल एक्सेस देते हैं कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है समय आ गया है बच्चों क्वेश्चन ऑफ द डे का सो टूडेज क्वेश्चन ऑफ द डे इज यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन नेम दिस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ऑफ द इंडियन एयर फोर्स इसको आपको बताना है क्लास को लाइक भी करते जाइए शेयर भी करिए इसका आंसर हम कल के नेक्स्ट सेशन में देखेंगे सो बिफोर यू वाइंड अपन दीज आर दर्सेज विच आर रनिंग क्रैक एग्जाम बर्ंडस एंटेसरी ऑफ ऑल दर्सेज आर अवेलेबल यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास फ्रॉम टेलीग्राम एंड ब्लॉग चैनल those students who are interested in our courses they can use this warranted code and get 10% flat discount jai hind and best of luck